आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मैं प्रदीप, मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था। और तो और, इन सब बातों को मानने वाले आदमियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे इन सब बातों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और आज मैं इन सब बातों को मानता हूँ, साथ ही साथ भूत प्रेत का नाम लेते ही कांपने लगता हूँ। खैर, आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 30 साल पहले घटी थी। उन दिनों मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करता था। आज से 30 साल पहले मेरे गांव में सुविधा की कमी ज़रूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। लोगों के पास वक्त ही वक्त रहा करता था, साथ ही साथ सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी एकता भी हुआ करती थी। उस समय गांव में मेरे 3 दोस्त थे, सुनील, अशोक और प्रकाश। हम तीनों दोस्त दिन भर अपने कामों को करते और शाम होते ही गांव के चौक पर इकट्ठा होकर बातें करते। हम चारों दोस्तों में मैं और प्रकाश, हम दोनों भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानते थे, मगर सुनील और अशोक इन सब बातों को काफ़ी मानते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं और हम इस बात को लेकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। खैर, हुआ कुछ यूं था कि हर शाम की तरह ही उस शाम भी हम 4 दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी प्रकाश का छोटा भाई भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, भैया जल्दी चलिए, वो लालू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश के भाई से ये बात सुनकर हम चारों झट से उठ खड़े हुए। लालू काका हमारे ही गांव में रहने वाले काफ़ी भले इंसान थे, जिनका घर प्रकाश के घर के पास में था। मगर लालू काका तो अभी ठीक थे, तो फिर अचानक ये सब हुआ तो हुआ कैसे। जिसके बाद हम चारों भागकर लालू काका के घर के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर पता चला कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हमारे साथ साथ वहाँ गांव के काफ़ी सारे लोग भी थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। लालू काका के घर वाले तो 2 दिनों के लिए दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। सभी लोगों के मुंह से एक ही बात सुनकर मैंने कहा, लालू काका का दहन संस्कार उनके घर वालों के आने के बाद ही होगा। आपसे मैं कोई जानता है कि उनके घर वाले अभी कहाँ हैं, तो जाकर उनको बुला लाइए। मेरी बात खत्म होते ही गांव के एक आदमी ने कहा, वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ, बुला लाऊंगा, मगर उनके आते आते तो सुबह हो जाएगी और आज रात लालू काका के शव के पास कौन रुकेगा। हाँ, ये बात तो सोचने लायक थी कि शव के पास कौन रुकेगा। शव को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। रात लालू काका के शव के साथ रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार कोई रुकने को तो तैयार ही नहीं है, हम चारों रुकते हैं। इस पर पहले तो सुनील और अशोक ने साफ मना कर दिया, लेकिन हमारे काफ़ी समझाने के बाद वो भी मान गए। जिसके बाद मैंने गांव वालों से अपने रुकने की बात कह दी। अजीब तो मुझे भी लग रहा था कि एक लाश के साथ रात गुजारना, यानी कि काफ़ी अजीब बात। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया। रात के 8 बजे तक गांव वालों का लालू काका के घर पर काफ़ी आना जाना था, मगर 8 बजे के बाद इक्का दुक्का लोग ही आते जाते रहे थे। लेकिन 10 बजे तक सभी गांव वालों का लालू काका के घर आना जाना बंद हो गया। अब बस हम 4 दोस्त और लालू काका की डेड बॉडी। मौसम ठंड का था, जिस कारण काफ़ी ठंड हमें भी लग रही थी। हम घर के दरवाजे को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा घर का दरवाज़ा बंद मत करना, क्योंकि लालू काके की आत्मा अभी घर के आसपास ही भटकती होगी और बार बार घर के अंदर जाना करेगी, जिस कारण दरवाज़ा बंद मत करना।
ये बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई थी, क्योंकि सुनील और अशोक को ये बात बताना यानी उनको और डराना, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि ये बात सुनकर शायद वो दोनों आज रात यहाँ रुकेंगे। इसलिए मैंने ये सब बात अपने दोस्तों को नहीं बताया। अब 2 घंटे और बीत गए, यानी वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का। हम चारों दोस्त लालू काका के शव को घेर कर बैठे हुए थे कि तभी एक आदमी चलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के घर के अंदर दाखिल होते ही हम चारों एकदम से चौंक गए कि भला इतनी रात को ये आदमी कौन है। उस आदमी से बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी लालू काका का दोस्त था, जो पेशे से एक तांत्रिक है। खैर, हमारे साथ साथ वो आदमी भी लालू काका के सामने बैठ गया। बैठे बैठे मैंने एक बात नोटिस की कि वो आदमी इधर उधर हवा में इशारा करके किसी से बातें कर रहा था, मगर किससे? वहां तो हम चारों के अलावा और कोई था ही नहीं। 2-3 बार तो मैंने नज़रअंदाज किया, मगर जब मेरे अंदर की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई तो मैंने उस आदमी से कहा, आप इशारा करके किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर तो कुछ सेकंड वो आदमी चुप रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं लालू की आत्मा से बात कर रहा हूँ। लालू की आत्मा? ये बात सुनते ही हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए। सुनील और अशोक का तो ये हाल था कि उनका पूरा चेहरा सूख चुका था, लेकिन मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं इन सब फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे विश्वास ना करने से तो सच नहीं बदल जा सकता। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, अगर ये बात है तो आप लालू काका की आत्मा से बात कर रहे हैं तो हमें भी बात कराइए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो आदमी झट से उठ खड़ा हुआ और घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके बाद उस आदमी ने हमसे कहा, कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा और खिड़की मत खोलना। फिर उस आदमी ने अपने बैग में से एक हड्डी का टुकड़ा निकाला और ज़मीन पर कुछ लिखने लगा, और लिखकर उसके सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। उसने जैसे ही 2-3 बार मंत्रों का जाप किया तो अचानक बाहर से कोई सारे खिड़की दरवाजे को पीटने लगा, मानो काफ़ी सारे लोग एक साथ खिड़की दरवाजों को पीट रहे हों। हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए कि भला ये हो क्या रहा है। सुनील और अशोक तो डर के मारे कांपे जा रहे थे। अभी हम चारों एक दूसरे के शक्ल को देख ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने 2 बार आवाज लगाई, लालू लालू। उस आदमी की आवाज लगाते ही लालू काका की आत्मा सच में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ये हो कैसे सकता है, मगर सच में लालू काका की आत्मा वहां खड़ी थी। लेकिन अब लालू काका का पूरा चेहरा बदल चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी, और उनके शरीर के आर पार भी दिखाई पड़ रहा था, मानो वो एक हवा हो। ये देखकर मैं भी काफी डर गया और अपने दोस्तों के साथ साथ मैं भी कांपने लगा। लालू काका की आत्मा काफी गुस्से से हम सभी को घूरे जा रही थी कि तभी लालू काका की आत्मा हम चारों की तरफ आगे बढ़ने लगी कि तभी उस आदमी ने लालू काका की आत्मा के ऊपर कुछ छिड़का, जिससे लालू काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई और मैं भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।